दोस्तों, शुभमन गिल के साथ अपने रिश्ते पर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हाँ, यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं, खुद सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार शुभमन गिल को लेकर सारा तेंदुलकर ने वो कौन सा चौंकाने वाला बयान दिया है, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले, आप शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव में किससे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, शुभमन गिल भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं। वो इस वक्त वनडे रैंकिंग में नंबर दो के बल्लेबाज हैं। वर्ल्ड कप में भी उनकी शानदार फॉर्म बरकरार है, पर गिल क्रिकेट के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं। जी हाँ, सारा और शुभमन गिल के अफेयर की खबरें तो आप भी भली भांति जानते हैं। हालांकि कभी भी सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल ने इस पर कभी खुलकर बातचीत नहीं की, पर यह दोनों ही कई बार एक साथ स्पॉट किए गए हैं, कई बार एक दूसरे के साथ घूमते हुए देखे गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब इन्हीं सब को लेकर खुद सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आखिरकार गिल के साथ उनका रिश्ता है या नहीं, वह गिल के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं, इस पर बड़ी बात कहते हुए सारा ने कहा, सबसे पहले तो मैं बेहद हैरान हूं कि लोग पता नहीं किस एंगल से देखते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। लोगों को यह समझना चाहिए कि हम दोनों दोस्त भी हो सकते हैं। पता नहीं मीडिया कैसी कैसी खबरें दिखाती है, मुझे लगता है कि उन्हें और खबरों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी के खेल को पसंद करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में है। मुझे गिल की बल्लेबाजी पसंद है, वो मुझे पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनके साथ रिलेशनशिप में हूं। यह बेहद ही शर्मनाक है। मैं लोगों से अपील करती हूं कि इस पर ध्यान ना दें। दोस्तों, गुस्से में सारा तेंदुलकर की कही हुई यह बात सोशल मीडिया पर आग लगा रही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या सारा और शुभमन गिल रिलेशनशिप में है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।